तो मुझे एक किस्सा उसने बताया कि वो आई वुड लाइक टू ओम टू शेयर दिस। क्या 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 है ना, कुछ चीजें हम लोग काम इतने इतने दिनों से इतने महीनों से कर रहे हैं, तो मैं भी वो किस्सा भूल गया था। बट ये कैसा नहीं, कभी नहीं होता। अभी मैं अभी भूषण जी के साथ अभी शेयर कर रहा था यहाँ पे जब बैठे, तभी हम मित्र रह चुके हैं बहुत। हमको पहली बार साथ में काम करने का जो हमें संधि मिली, मौका मिला, वो था तानाजी के वक्त माय भवानी गाने के साथ। तो तभी हमने पहली बार काम किया, मतलब बहुत पहले से मित्र रह चुके हैं। और जब भी हम साथ में रहते हैं तो एक ना अजय अतुल के स्टूडियो में जब आप जाओ तो एक 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 माहौल होता है, एक डेकोरम होता है। आप अंदर जाते हो, फिर आप थोड़ा टाइम बैठते हो, फिर कुछ बातें होती हैं, और फिर कुछ इधर उधर की बातें करके अजय जी और अतुल जी जिस तरह से आपको अंदर ले जाते हैं उनके उनकी जो स्टूडियो जो जहाँ पे गाना बनता है, तो एक वो एक एक, एक प्रोसेस होता है। तो जब आपको 5 मिनट का गाना भी अगर आपको सुनना हो तो आपको 1-1.5 घंटा लेके जाना पड़ता है क्योंकि आधा घंटा पहले इधर उधर की बात होती है, फिर 5 मिनट आप गाना सुनते हो, फिर उसके बाद 1 घंटा गाने के ऊपर बात होती है, फिर इस गाना सुनते हो, तो एक वो प्रोसेस होती है। तो जब भी मैं जाता हूँ, भले भले मेरा काम हो या दूसरा कोई काम हो, तो एक अजय जी पहले बोलते हैं कि तू रुक जा, मैं जरा आता हूँ। फिर अजय जी अंदर जाते हैं और फिर अतुल जी आते हैं और फिर अतुल जी थोड़े टाइम के बाद आपको अंदर ले जाते हैं। और जब अंदर ले जाते हैं तो मैं ऑलवेज, क्योंकि हम मित्र भी हैं, तो मैं ऑलवेज ये लिबर्टी लेता हूँ, मैं अतुल जी से पूछता हूँ कि कैसा है। तो अतुल जी बोलते मराठी में मेरे को, बोलते तू सुन ले, तू सुन ले। तो कोई भी गाना जब हम सुनने जाते हैं तो अतुल जी हर वक्त यही कहते हैं कि तू सुन ले, बाद में बात करेंगे। पर ये गाना, प्रभु श्री राम का ये गाना, जय श्री राम ये गाना, जब हम सुनने वहां पे पहुंचे, ये सब पहले का कार्यक्रम ऐसे ही हुआ। और जब मैं अंदर जा रहा था तो मैंने उसी इनोसेंस से अतुल जी से पूछा कि अतुल जी कैसा है, तो अतुल जी ने पहली बार मुझे मराठी में ये कहा, मस्त है। तो मैं ये अभी भूषण जी से कह रहा था, तो यही इसी की बात कर रहा हूं। नहीं तो इसको बहुत बहुत थोड़े कुछ गाने होते हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने कंपोज किए हैं आज तक। हम लोगों ने कुछ जो भी हमसे बन पड़ा हम लोगों ने किया। कुछ गाने ऐसे होते हैं, स्पेशली ये गाना ऐसा है ना कि ये हम लोगों ने कंपोज किया, ये हम लोग नहीं बोलेंगे, ये हमें कान में आके किसी ने बताया है। तो ये हमारी फीलिंग थी कि नॉर्मली हम लोग तो गाने कंपोज करते ही है, बट इसके पीछे एक, जब जैसे ही पहले सुना था तभी लगा था कि ये कुछ और चीज बनी है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम लोग रामायण सीरियल की बात करते हैं कि वो बहुत कनेक्ट है, और स्पेशली हम लोगों ने जब बचपन में देखा है, तो वो जो म्यूजिक शुरू होता था और वो म्यूजिक जैसे ही शुरू होता था हम लोग अपने आप कनेक्ट होते थे वो सीरियल से। मंगल भवन वो जो गाना जो बजता था, जैसे ही उसका इंट्रो म्यूजिक शुरू होता था पूरे, मैं क्या बताऊं, मतलब रोड पे पूरा सुनसान हो जाते थे वो। अब उसके बाद आज की तारीख में श्री राम जी के लिए कुछ गाना बनाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज आज की पूरी दुनिया के साथ वो जुड़े और उसके साथ हम लोग भी एक प्योरिटी के साथ उसको अटेम्प्ट करें, ये चीज थी। वो शायद मुझे मुझे बहुत अंदर से एहसास हुआ था कि ये बहुत परफेक्टिव जाना है सर। यहाँ पे तारीफ